Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Dipen Gogoi. Today we'll discuss about the zinc pivot point support and resistance, market trend or market range. To dekh sakte hai ye zinc aur maine liye ye 1 hour chart to aaj dekh sakte hai zinc pivot point 186 first support resistance 188.56, second is the 189 and the third 191 and the first support 185, second support 183 and the third 182. तो इसमें देख सकते हैं आप ये zinc chart है और मैंने लिया daily chart. तो daily chart में आप देख सकते हैं zinc यहाँ पे जो ये breakout किया trend यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया ये पॉइंट से तो मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर से नीचे तो 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है राइट. ये 200 मूविंग एवरेज तो आके एक अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो लोअर लो था एक लोअर लो बना के एक लोअर लो बनाया और ये लोअर हाई तो बाद में नेक्स्ट मार्केट ऊपर गया तो ये लोअर हाई तो नेक्स्ट ट्राई कर रहा है लोअर लो बनाने के लिए. तो लोअर लो कहाँ बना सकता है इसके लिए हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे. तो आप पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया तो उसको मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट किया जैसे आप देख सकते हैं ये हायर पॉइंट मतलब जितना प्रोबेबल हो सकता है उतना पॉइंट को कनेक्ट करने का टास्क किया. यहाँ पे देख सकते हैं वन ट्राई टू ट्राई थ्री ट्राई राइट. ये ब्रेकआउट तो बाद में मुझे लगता है यहाँ से मार्केट नीचे आके ये एरिया में यहाँ तक आ सकता है राइट. तो ये एरिया में आएंगे तो देखेंगे हम और इसमें कोई सपोर्टिंग लाइन मिला क्या ये एरिया में. तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना कोशिश करेंगे यहाँ पे. तो अगर मैंने ये लोअर लो लिया राइट इसको लिया ये पोर्शन और ये तीनों को मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे एक जोन निकाला तो मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आने का चांसेस है. यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है राइट. तो ये हो गया ट्रेडिंग डेली लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए. तो हम देखेंगे अभी 4 आवर शॉर्ट टर्म में क्या बना सकते हैं यहाँ पे राइट. तो 4 आवर में देख सकते हैं 4 आवर में यहाँ पे एक जो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाया राइट. उसके बाद ये लोअर लो था हायर लो था हायर लो को ब्रेकआउट किया राइट. ये हायर लो को ब्रेकआउट किया यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया तो एक 200 मूविंग एवरेज जो ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ राइट. रिट्रेसमेंट होके मुझे लगता है ये पोर्शन हायर लोअर हाई तो उसके बाद मार्केट नीचे आने का चांसेस हो ज़्यादा है. तो यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ये रीजन अराउंड आपका आएगा यहाँ पे एक्जैक्टली देखें तो हम आएगा यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट कितना मिला 85 ठीक है 185 अगर ब्रेकआउट किया तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है अकॉर्डिंग टू द 4 आवर चार्ट ओके. तो अगर हम 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है राइट एक चैनल. तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक चैनल हमें मिला राइट. ये चैनल में मार्केट घूम रहा है तो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर तक दे सकता है लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट किया अगर ये रीजन से इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है. जो आप सेल करना चाहते तो इसका नीचे से स्टार्ट सेलिंग और अगर ये रीजन में आप सेल करेंगे फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है ऐसा राइट. यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी आ जाएगा यहाँ से रेजिस्टेंस बना के फिर से मार्केट आने का चांसेस है. तो इसलिए सेल लेना है तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद ही आपको सेल लेना चाहिए राइट. और अगर हम 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में देखे तो 5 मिनट में भी एक या 5 मिनट में अभी ये साइडवे मार्केट है राइट. तो इसमें से आपको ब्रेकआउट करने के लिए वेट करना पड़ेगा ठीक है. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.